नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पी के द कोचिंग सेंटर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, अभी तक मैंने आपको टेंस बता दिया है, पूरे टेंस मैंने एक्सरसाइज भी एक दो करा दिया गया है, ठीक है। तो आप, मैं यही आशा करता हूँ कि आपको सभी टेंसेस के जो सेंटेंस होते हैं उसकी पहचान आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, आप उसको समझ भी लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, सेंटेंस होता क्या है आज हम इसको पढ़ते हैं, सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है इसको आज हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी बड़े चीज़ की जब शुरुआत आप करते हैं तो सबसे पहले हमें छोटी चीज़ों की जानकारी बहुत ही आवश्यक होती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन अब उसी में आपको सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, उसके काइंड्स कितने होते हैं, ये सब जानना है और समझना है, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इसमें आज आप सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है, कैसे होता है उसकी, सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं लेकर, जो आप पहले ही पढ़ चुके होंगे। तो देखिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, ठीक है, अगर वह बनती है, बड़ी चीज़ होती है, तो वह किसी न किसी छोटे छोटे कणों से मिलकर ज़रूर बनी होती है, ठीक है। तो वैसे ही बच्चों, ये इंग्लिश लैंग्वेज जो ग्रामर है, आपका लैंग्वेज है, यह भी ग्रामर के यूज से ही लैंग्वेज को समझना और बोलना हम सीखते हैं। तो ये चीज़ें हमको बहुत ही आवश्यक है और हमें समझना ज़रूर चाहिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है, सेंटेंस होता क्या है, वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, और सेंटेंस क्या होता है, और पैराग्राफ क्या होता है। आइए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी सेंटेंस, तो सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है बच्चों, वर्ड से। वर्ड किससे मिलकर बना होता है, लेटर से। तो वही चीज़ें हम पढ़ने चल रहे हैं। तो बच्चों, आइए जानते हैं लेटर, लेटर या अक्षर क्या होते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, लेटर। हिंदी में अक्षर कहलाता है और इंग्लिश में लेटर, तो ठीक है। लेटर की संख्या इंग्लिश में 26 होती है। तो आइए देखते हैं लेटर क्या होता है बच्चों। तो यहाँ पे द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज या लैंग्वेज विच कैन नॉट बी, कॉन्ट बी डिवाइडेड, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, कॉन्ट बी डिवाइडेड, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच कॉन्ट बी डिवाइडेड, ठीक है, इज कॉल्ड अ लेटर, ठीक है, अ लेटर। तो बच्चों, भाषा की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। तो इंग्लिश में लेटर कौन से होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ना, ए टू जेड। तो यहाँ पे एग्जांपल भी हम देख लेते हैं बच्चों, एग्जांपल, एग्जांपल्स, ठीक है, जैसे ए बी सी डॉट 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 जेड, ये सब क्या है बच्चों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, इनके टुकड़े आप नहीं कर सकते हो, इनके टुकड़े आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, जो भाषा की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, ठीक है। आइए देखते हैं बच्चों, वर्ड क्या होता है। तो देखिए, क्रम से हम लोग चल रहे हैं, लेटर, तो लेटर से मिलकर क्या बनता है, वर्ड, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे अ मीनिंगफुल, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड a word, is called a word, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या कहा, a meaningful group of letters, ठीक है, सार्थक, मतलब अक्षरों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, ठीक है, अक्षरों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, ठीक है, नहीं, शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, शब्द।
ने क्या आपको बताया कि यहाँ पे अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड, ठीक है, कि अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले वह शब्द कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अ मीनिंगफुल ग्रुप, देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो भी आपको ग्रुप ऑफ लेटर्स हो वो उसका कोई ना कोई अर्थ निकले तब हम मान कर चलेंगे कि यह क्या है, एक वर्ड होगा। आइए बच्चों देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, जैसे एग्जाम्पल पहले मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे दे दिया गया सी आर ए, अगर इसको मिला दिया जाए बच्चों तो ये हो जाएगा, अगर इसको हम जोड़ना चाहें तो सी आर ए, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, क्या ये मीनिंगफुल है बच्चों, सी आर ए क्या ये कोई मीनिंगफुल वर्ड है, वर्ड बन रहा है, नहीं बन रहा है। इस स्थिति में हम इसको जब सही अरेंज करते हैं तो ये वर्ड कब कहलाएगा, जब इसका कोई मीनिंगफुल निकल रहा हो, कोई मीनिंग निकल रही हो। तो जैसे हम करते हैं इसको सी प्लस ए प्लस आर, तो बच्चों सी प्लस ए आर ये क्या बन गया, कार, क्या बन गया, कार। तो बच्चों ये क्या होगा, वर्ड होगा, क्या होगा, ये वर्ड होगा। तो कार माने मोटर गाड़ी होती है, इसको आप समझ रहे हो, जान रहे हो, ठीक है। तो इसका मीनिंगफुल अर्थ निकल रहा है कि नहीं, समझ में आया। तो आइए बच्चों देखते हैं सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम सेंटेंस देखते हैं क्या होते हैं, देखिए अगला देखते हैं क्या है सेंटेंस। तो बच्चों देखिए, जिस प्रकार से कई अक्षर मिलकर एक शब्द बनाते हैं तो वैसे ही कई शब्द मिलकर एक वाक्य बनाते हैं। आइए देखते हैं इसके पहले डेफिनेशन क्या होती है, इसको समझ लेते हैं। तो इसका होता बच्चों अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ complete sense is called a sentence, ठीक है बच्चों। देखिए क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो देखिए शब्दों का ऐसा समूह क्या होता है जिससे कोई अर्थ निकले, ठीक है, जिसका कोई मतलब निकले वह क्या कहलाता है, आपका वाक्य कहलाता है। ये क्या होता है, शब्दों का सार्थक समूह होता है, ठीक है बच्चों। तो आइए दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल लेके। सबसे पहले हम आपको एग्जाम्पल बता देना चाहेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ठीक है। जैसे हम कोई एक सेंटेंस लेते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कोई दे दिया गया, जैसे कि दे दिया गया इज अ राम प्लेयर, इज राम अ प्लेयर क्या बच्चों इसका कोई मतलब निकल रहा है, क्या इसका कोई मीनिंग बना रही है, कोई मीनिंग इसका नहीं बन रहा है, कोई वाक्य नहीं बन पा रहा है। अभी कैसा होना चाहिए, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी वो सार्थक समूह होना चाहिए। तो बच्चों देखिए ये वाक्य आपका समझ में नहीं आ रहा है तो ये वाक्य आपका नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर इसको हम समझना चाहें तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट रखेंगे, तो यानी ये अगर इस तरह कर दिया जाए राम, जैसे इसको अरेंज करेंगे तो ये आपका पूरा वाक्य नहीं बन पाता है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम इसी प्रकार से एक और वाक्य देखते हैं, जैसे राम इज अ प्लेयर, तो बच्चों ये राम, देखिए जैसे इसका है इज माने है, ए माने आ, माने एक, ठीक है, राम मतलब राम, प्लेयर मतलब खिलाड़ी। तो इसका कोई औचित्य नहीं है कि इसका कोई मतलब मीनिंगफुल नहीं निकल रहा है, लेकिन इसका देखते हैं बच्चों राम इज अ प्लेयर, यानी राम एक खिलाड़ी है, तो बच्चों इसका वाक्य का मतलब निकल रहा है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका सेंटेंस, क्या हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो बच्चों इसको आपकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए बोर्ड पर, जो लिखा हुआ है इसको आप अच्छे समझ लीजिए, एक एक करके मैंने आपको सभी को अच्छे तरीके से बताया हुआ है तो आप इसको जरूर समझ लीजिएगा। तो बच्चों इसी प्रकार से जो पैराग्राफ होता है, ठीक है, जो पैराग्राफ होता है बच्चों वह
किससे मिलकर बना होता है? कि कई प्रकार से वाक्यों से मिलकर बना होता है जो पैराग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो आइए बच्चों देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या देखते हैं? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस किस प्रकार से होता है। तो बच्चों आइए आपको दिखाते हैं सेंटेंस के पार्ट, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने अभी बताया उसको आप अच्छे से समझे होंगे, पढ़े होंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों कोई भी सेंटेंस होगा, ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक पहला सब्जेक्ट होता है और दूसरा कौन सा होता है? प्रेडिकेट। तो बच्चों जो वर्ब से पहले का भाग होता है वह इंग्लिश के वाक्यों में वह सब्जेक्ट कहलाता है, और हिंदी में आपका क्या कहलाता है? ये उद्देश्य। हिंदी में ये उद्देश्य होता है और ये विधेय, मतलब विधेय होता है। ठीक है, प्रेडिकेट। तो बच्चों आइए देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं बच्चों। सब देखिए सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्या होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दो भाग होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। तो बच्चों जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड, यानी हेड वर्ड भी इसको हम कह सकते हैं। अब देखिए क्वालिफायर जो होगा वाक्य आपका, यह इसमें आपको क्या होगा? पहला होगा डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट के पार्ट हो गए। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों प्रेडिकेट के कौन से भाग होते हैं। तो ये आपका जो वर्ब के बात के वर्ब से लेके जो जो भी आपका वो बात का भाग होता है इंग्लिश का, वो आपका प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे दे दिया गया आप जो प्रेडिकेट होता है, तो प्रेडिकेट में क्या आता है बच्चों? वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है और कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है? वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, कोई भी सेंटेंस होता है उसके बाद में। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट भी बच्चों इसमें जो होता है वो दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो बच्चों इसको आप अच्छे तरीके समझ गए होंगे, समझ लिए हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो बच्चों मैंने क्या कहा, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, यहां आपके पास कोई सेंटेंस है, मान लीजिए कोई है, जैसे दिया गया है ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि जो सब्जेक्ट होगा वह क्या होगा? ये आपका सब्जेक्ट होगा और ये पूरा भाग ये जो होगा आपका प्रेडिकेट का भाग होगा। कैसे? देखिए ही जो होगा आपका ये क्या कहलाएगा? ये सब्जेक्ट। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। और ये जो दूसरा भाग है ये पूरा क्या है? ये प्रेडिकेट। क्या है? ये प्रेडिकेट। ठीक है, अब देखिए प्रेडिकेट के अंतर्गत क्या क्या आता है? क्रिया आ रही है और ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्रिया आ रही है और ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब या ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हुआ एक एग्जांपल। आइए देखते हैं अब सब्जेक्ट, और एक एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। जैसे दे दिया गया है माय फादर इज एन इंजीनियर, माय फादर इज एन इंजीनियर। तो बच्चों देखिए सबसे पहले इसमें हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग को पता करना है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का भाग कौन कौन सा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट के पार्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के पार्ट पहले हम इस प्रकार से सेंटेंस को पढ़ेंगे और आपको एक्सरसाइज अभी समझाएंगे और देंगे। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको क्या करना है? छांटना रहेगा उसमें। तो आइए देखते हैं बच्चों इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, तो बच्चों सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, इसको आप समझ लीजिए। देखिए जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति के बारे में जो बात किया जाता है, ठीक है, व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के विषय में बात किया जाता है वह सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता या उद्देश्य होता है। अब बच्चों प्रेडिकेट की बात करते हैं। देखिए जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है। एज एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कह रहा है कि माई फादर इज एन इंजीनियर, माई फादर इज एन इंजीनियर। तो बच्चों देखिए माई फादर जो होगा किसके विषय में बात किया जा रहा है? इंजीनियर कौन है बच्चों? कौन शब्द से लगाएंगे तो हमको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। हु इज एन इंजीनियर? माई फादर। क्या आंसर आ रहा है आपका? माई फादर। अगर आप प्रश्न पूछे कि हु इज एन इंजीनियर, तो आपका जवाब क्या मिलने वाला है कि माय फादर। तो बच्चों माय फादर किसके विषय में बात किया जा रहा है? कौन है?
इंजीनियर, तो मेरे पिताजी, इट मीन्स क्या होगा, माई फादर, ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये क्या है आपका प्रेडिकेट का भाग, ये क्या है प्रेडिकेट का भाग, तो इसको प्रेडिकेट का भाग हम कैसे समझते हैं, यानी विधेय है ये, ठीक है। तो देखिए माय फादर इज एन इंजीनियर, ठीक है, किसके पिताजी, मेरे पिताजी, तो किसके या कौन शब्द लगाने से हमको सब्जेक्ट पता चल रहा है, क्या क्या शब्द जब लगाएंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा विधेय। जैसे मेरे पिताजी क्या हैं, तो मेरे पिताजी एक एक इंजीनियर हैं, अभियंता हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये जो होगा ये आपका प्रेडिकेट का भाग होगा, ये कौन सा भाग है, ये प्रेडिकेट, ठीक है, ये कौन सा भाग होगा प्रेडिकेट। तो मतलब कर्ता क्या होता है, कर्ता वह होता है जिसके विषय में कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है, जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए वो आपका क्या होता है विधेय होता है, इट मीन्स प्रेडिकेट का भाग होता है बच्चों, ठीक है। तो यानी मेरे पिताजी के बारे में बात कर रहे हैं तो यह ऑब्जेक्ट आपका मेरे पिताजी, माई फादर हो गया, और किस क्या बात कर रहे हैं तो वहाँ पे देखिए प्रेडिकेट का भाग, कि मतलब वह क्या है, एक इंजीनियर है। तो इस प्रकार से हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसको छाट लेते हैं, ठीक है। आइए बच्चों आपको देते हैं कुछ वाक्य, बोर्ड पर मैं लिख देता हूँ, नोटिफाई कर देता हूँ, इसको आप क्या कीजिएगा, इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग छांट कर लिखना है, एज एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आपको करना होगा। तो बने रहिए बच्चों पीके द कोचिंग सेंटर के वीडियो के अंत तक, ताकि आपको बहुत ही कुछ अच्छा सा ज्ञान मिल सके। आइए देखते हैं बच्चों, ये बच्चों देखते हैं, देखिए इसमें क्या करना है, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के क्या करना है, पार्ट को छाटना है, एक मतलब वाक्य दिया गया है इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भागों को छाटना है। किस प्रकार से होगा, आइए बच्चों मैं एक एक वाक्य को मैं आपको समझाता हूँ, आप बहुत ही अच्छा करेंगे, मैं ये गारंटी के साथ आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, तो मैंने बताया था कि जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए, जिसके विषय में जो कुछ कहा जाता है वह प्रेडिकेट होता है, और जिसके विषय में बात करते हैं वह आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो बच्चों आ गर्ल वाज सिंगिंग, कौन एक गीत गा रही थी, आ गर्ल, तो बच्चों ये सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट में क्या होता है, ये जो गर्ल है ये आपका मेन वर्ड होगा, क्या होगा ये मेन वर्ड। अगर इसमें से आपको पूछा जाए कि मेन वर्ड क्या है बच्चों, तो आ गर्ल, और जो ये होता है आपका जो सब्जेक्ट का पार्ट जो होता है बच्चों, तो क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर, और फिर उसके बाद क्या होता है हेड वर्ड। तो सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से बच्चों, तो आपको मैं बता देना चाहूँगा एक बार फिर, क्वालिफायर और मेन वर्ड, सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। तो बच्चों ये जो होगा आपका ए है जो, ये आ, ये क्या होगा आपका क्वालिफायर, क्या हो जाएगा बच्चों ये क्वालिफायर, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्वालिफायर, ये आपका क्वालिफायर है, कौन सा, इस सब्जेक्ट का पार्ट ही है, ठीक है, और कुल मिलाकर ये पूरा पार्ट क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो ये आपको समझ गए, तो बच्चों जो अभी हम केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो बच्चों ये जो भाग होता है ये आपका क्या होता है प्रेडिकेट का भाग, तो इधर आप क्या लिख देंगे प्रेडिकेट, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी वाक्य हैं, मैं आपको एक एक वाक्य अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप समझिए आगे है। देखिए तो मैंने क्या कहा, वर्ब से जो पहले का भाग होता है, जिसके विषय में कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए वो प्रेडिकेट होता है। तो बच्चों किसके विषय में कहा जा रहा है, माय ओल्ड ग्रैंड फादर के विषय में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, राइट्स एन ऐसे, क्या लिखते हैं, एक ऐसे लिखते हैं। तो बच्चों ये जो भाग होगा आपका ये प्रेडिकेट होगा, ये पूरा कौन सा होगा प्रेडिकेट। तो मैंने बताया था प्रेडिकेट के कौन कौन भाग होते हैं बच्चों, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और तीसरा जो होता है उसको भी आपको बताया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें आएगा, आपको बताएंगे, और कॉम्प्लीमेंट भी होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट बच्चों इसमें जो होगा ये माय ग्रैंड फादर, ये आपका मेन वर्ड है, मेन वर्ड है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे अलग कर लेंगे मेन वर्ड, ठीक है, ये क्या है मेन वर्ड, और जो ये आपका ये क्या है आपका एडजेक्टिव, ये क्या है बच्चों ओल्ड क्या है एडजेक्टिव, ये क्वालिफायर का भाग एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये जो माई है ये क्या होगा डिटरमिनर, ये क्या है बच्चों डिटरमिनर, तो इसको आप यहाँ पे ऐसे नोटिफाई कर देंगे, लिख देंगे डिटरमाइनर मिनर, ये आपका डिटरमाइनर हो गया। अब ये देखिए वर्ब का वर्ब है और ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सा पार्ट हो गया बच्चों प्रेडिकेट, कौन सा हो गया प्रेडिकेट। आइए देखते हैं अगला वाक्य, अगला वाक्य क्या है बच्चों,
तो मैंने कहा वर्ब से जो भी पहले का भाग होता है जिसके विषय में कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है, यानी ये द नाटी बॉय, द नाटी बॉय आपका ये सब्जेक्ट होगा और ये क्या होगा आपका प्रेडिकेट। यहाँ इसको आप इसके नीचे लिख देंगे प्रेडिकेट। अब देखिए तो मेन वर्ड कौन होगा, तो बच्चों द नाटी बॉय, तो शरारती कौन है, बच्चा है मतलब लड़का है, तो लड़का जो होगा बच्चों ये मेन वर्ड यानी हेड वर्ड होगा, ये इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है ये मेन वर्ड होगा। अब देखिए नाटी, नाटी क्या होगा, ये नॉटी जो है शरारती यानी उसके गुण है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव होगा, ये क्या होगा एडजेक्टिव, द वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव, ठीक है बच्चों। तो ये द जो होगा बच्चों ये डिटरमाइनर होगा, डिटरमिनर क्या होगा, ये डिटरमिनर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम अलग कर लिए, है ना। आगे देखते हैं बच्चों ये वाला वाक्य, तो इसको आप देखिएगा जरूर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखने की आवश्यकता है, आप बहुत ही अच्छा समझेंगे। तो देखिए बच्चों His younger brother is in Mumbai. His younger brother is in Mumbai is an artist. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो सब्जेक्ट होगा यह पूरा भाग जो होता है यहाँ तक का ये पूरा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और सब्जेक्ट के कई पार्ट होते हैं बच्चों, सब्जेक्ट के कई पार्ट होते हैं जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इज एन आर्टिस्ट, तो ये बच्चों प्रेडिकेट का भाग होगा, इसमें देखिए वर्ब है और क्या है ऑब्जेक्ट है, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ठीक है समझ रहे हैं। अब देखिए सब्जेक्ट का पार्ट इतना बड़ा है, सब्जेक्ट का पार्ट इतना बड़ा है तो इसमें कई पार्ट हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं इसमें। तो बच्चों सबसे पहला जो पार्ट है मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे हिज यंगर ब्रदर, तो मेन वर्ड जो होगा बच्चों किसके बारे में बात किया जा रहा है, भाई के बारे में, यानी ये जो हेडवर्ड होगा बच्चों ये आपका मेन वर्ड क्या होगा आपका ब्रदर, ठीक है ये आपका ब्रदर मेन वर्ड यानी हेडवर्ड होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्वालिफायर है या एडजेक्टिव हम इसको कह सकते हैं, ये आपका एंगर जो होगा ये एडजेक्टिव है, ठीक है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये जो आपका होगा ये भाग जो है ये डिटरमिनर है, डिटरमिनर, ठीक है ये क्या है आपका डिटरमिनर। अब देखिए सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, हेड वर्ड यानी मेन वर्ड या क्वालिफायर। तो क्वालिफायर के भी आपके दो प्रकार से, तीन प्रकार से होते हैं, डिटरमाइनर एडजेक्टिव, डिटरमिनर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो बच्चों ये जो भाग है इसका, इस सेंटेंस का, यह एडजेक्टिव फ्रेज है, ये क्या है एडजेक्टिव फ्रेज है, ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। और ये प्रेडिकेट का भाग है बच्चों, ये क्या होगा आपका वर्ब, ये क्या है वर्ब, और ये पूरा ये क्या होगा आपका ये ऑब्जेक्ट है, क्या है बच्चों ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब विधेय होता है, कर्म होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो देख लीजिए एक बार, देख लीजिए बच्चों आपके सामने ये वाक्य लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा, आपको मैं कुछ वाक्य दे रहा हूँ इसी प्रकार से उसमें आपको छांटना है, अभी केवल आपको सब्जेक्ट के पार्ट केवल छांटने हैं और उसको अलग करना है, इसमें हेडवर्ड क्या होगा, क्वालिफायर क्या होगा, मेनवर्ड क्या होगा, इसको आप अच्छे से कर लेंगे और प्रेडिकेट को भी आप क्या करेंगे नोटिफाई करेंगे कि प्रेडिकेट कौन सा होगा। तो आइए बच्चों आपको कुछ वाक्य लिखवा देते हैं और उसको समझिएगा, घर पर करिएगा। तो बने रहिए बच्चों पीके द कोचिंग सेंटर के साथ, ठीक है। आप पूरा ग्रामर में पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको एक एक वर्ड पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आप कंसंट्रेट होके पढ़िएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको कोई, तो आपके सामने ये वाक्य लिखे हैं, थोड़ा लाइट नहीं है इसलिए अंधेरा शायद दिख रहा हो, लेकिन आप समझ रहे हैं, आप कर लेंगे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल अगले वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।